कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माँ श्रीमती चिरुंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष, प्राची जैन, अंशुल, अंशुली, राजू, निशी, हर्ष, मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले मालथौन सागर मध्य प्रदेश, श्री अजय, कल्पना, रिंकल, अजय शाह, पात्रा गुजरात, श्री केशुराम, शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया, सीए अंशिका, आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। बरसात का समय था, नदी में बाढ़ आई हुई थी। नदी में बाढ़ आने के कारण बड़े बड़े वृक्ष पेड़ उखड़ करके बहे जा रहे थे। वहीं पर छोटे छोटे और भी पौधे लगे हुए थे। बाढ़ के पानी को देख करके धरती माँ की शरण को स्वीकार कर लिया, झुक गए। बारिश रुकने के उपरांत बाढ़ जब शांत हो गई, एक 10 साल का पोता अपने दादाजी के साथ उस परिदृश्य को देखने के लिए नदी के तट पर गया। देखता क्या है, नदी में बहुत बड़े बड़े वृक्ष झाड़ बहे चले जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर बैत के कुछ पौधे लगे हुए थे, वो खड़े हुए हैं अभी तक। उसको पोते को बड़ा आश्चर्य हुआ। दादाजी से पूछा कि दादाजी, ये बतलाओ कि बारिश के पानी में बाढ़ के कारण बड़े बड़े वृक्ष तो उखड़ करके बह गए, पर एक छोटा सा पौधा जो और अन्य पौधे लगे हुए हैं, खड़े हुए हैं, वो क्यों नहीं बहे? दादाजी ने पोते को समझाते हुए कहा कि बेटे, इसमें जीवन का बड़ा रहस्य है। जो पेड़ अकड़े हुए थे, खड़े हुए थे, उन पेड़ों के लिए बारिश ने उखाड़ करके बहा दिया पानी के बहाव में, लेकिन जो विनम्रता के साथ जो पेड़ धरती से झुक गए, धरती में साष्टांग नतमस्तक हो गए, धरती माँ के लिए प्रणत हो गए, वो वृक्ष, वो पौधे बच गए। बात समझने की है, जो अकड़ता है वो उखड़ता है, जो विनम्रता के साथ झुक जाता है, जो अपने जीवन में विनम्रता को धारण कर लेता है, जो साष्टांग झुक जाता है, वो बच जाता है। 16 कारण भावनाओं के क्रम में आज दूसरी भावना है विनय संपन्नता। गुणों की संपन्नता आपने देखी होगी, धन की संपन्नता भी आपको पता है, बहुत बड़े धनाढ्य लोग भी होते हैं। धन की संपन्नता जिसके पास होती है, जिसके पास गुणों की संपन्नता होती है, ये बात अलग है, लेकिन आज हमें विनय संपन्नता की बात करना है। जो विनय से संपन्न होता है वो सर्वत्र पूजनीय बन जाता है, और जिसके जीवन में विनय नहीं होती है वो किसी का विनय का पात्र नहीं बन पाता है, सम्मान का पात्र नहीं बन पाता है। आप विनयी व्यक्ति को कोई पूछता भी नहीं है, कोई परखता भी नहीं है। जिस व्यक्ति के जीवन में विनय रूपी गुण प्रकट हो जाता है वह सबके आदर और सम्मान का पात्र बन जाता है। थोड़ी आवाज को कम करो, थोड़ी एक पॉइंट। गुण संपन्नता की बात, धन संपन्नता की बात की जाती है, लेकिन विनय संपन्नता की बात भी की जानी चाहिए।
जिस व्यक्ति के अंदर विनय जैसा गुण प्रकट हो जाता है वही तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति का बंध कर सकता है। कल मैंने दर्शन विशुद्धि की बात कही थी। दर्शन विशुद्धि का मतलब होता है हमारे अंदर की विशुद्धि का बढ़ना, हमारे जीवन में नम्रता आना, गुणों का विकास होना। बाहर का विकास तो हम सभी ने कर लिया है, लेकिन जीवन में गुणों का विकास कैसे हो इस बात पर हमें विचार करना है। धन संपन्नता तो आपने कर ली है, धन को कमा करके रख लिया है, जोड़ करके रख लिया है। एक दिन तुम्हें धन जोड़ छोड़ करके चला जाएगा, एक दिन तुम्हें धन निर्धन बना देगा। पर संत कहते हैं जो विनय तुम्हारे अंदर है वह विनय तुम्हारी इस भाव में भी काम आती है, और जहां भी तुम परभव में जाओगे तो वहां पर भी विनय रूपी गुण काम आता है। दो तरह की विनय होती है, एक लौकिक विनय होती है, एक लोकोत्तर विनय होती है। लौकिक विनय तुम्हारे लौकिक व्यवहार में काम आती है, वहां पर भी विनय की बहुत जरूरत होती है। आप किसी को सम्मान देते हैं तो सम्मान पाते भी हैं, और किसी को बहुमान देते हो तो आप बहुमान भी पाते हैं। और आप अकड़ कर के खड़े रहोगे, किसी से विनय से बात नहीं करोगे, कोई भी तुम्हें पूछेगा भी नहीं। विनय संपन्नता जीवन का आधारभूत तंत्र है। जिस व्यक्ति के जीवन में विनय होती है वह व्यक्ति सर्वत्र पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। हमारे आचार्यों ने कहा है कि विनय एक तप गुण है। विनय तप है तो तप की आराधना करना भी हमारा धर्म है। आप त्रिलोकीनाथ के सामने जाते हैं, बड़ी विनम्रता से झुकते हैं, नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, हे प्रभु मैं आज मेरा जीवन धन्य हो गया, तुम्हारे दर्शन पाकर के मेरा जीवन सार्थक हो गया, यही तो हमारे जीवन का विनय गुण है। तीर्थंकरत्व जैसे गुण को प्रकट करना, प्रकृति को प्राप्त करना एक साधारण बात नहीं है। साधारण व्यक्ति में भी असाधारण क्षमता को प्राप्त करने की सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। विनय रूपी गुण तुम्हारे यदि अंदर है तो विनय ही मनुष्य की मूलभूत संपदा है। आप लौकिक व्यवहार में देखते हैं, छोटे से आप विनय करवाना चाहते हैं, कभी आपने छोटों को वात्सल्य भाव दिया? छोटों से विनय तो तुम करवाने की क्षमता रखते हैं कि कोई हमारा विनय नहीं करता है, एक कैसा जमाना आ गया। पर संत कहते तुम छोटों से विनय चाहते हो, बहुमान चाहते हो, तो बड़ों का भी धर्म और कर्तव्य होता है कि हम उनको वात्सल्य लुटाएं। हम दूसरों को सम्मान देंगे तो सम्मान पा भी सकते हैं, हम पाने की तो चाह रखते हैं, पर किसी को देने की भी तो चाह रखना चाहिए। पाने में तो सब लोग समर्थ हो जाते कि मुझे प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, लक्ष्मी प्राप्त हो, गुण प्राप्त हो, पर कभी ये सोचा कि हम दूसरों को देने की भी तो इच्छा रखें। आप किसी के मस्तक पर तिलक लगाते हैं तो आपको तिलक हाथ में पहले लग जाता है। एक व्यक्ति दीवाल उठाता है तो व्यक्ति ऊंचा उठता चला जाता है, और जो व्यक्ति दूसरों को गिराने के लिए गड्ढा खोजता है वो नीचे पहले उतरता है। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में यदि तुम्हारा पदार्पण हुआ है तो विनय रूपी गुण हमें परम आवश्यक है, परम आवश्यक ही है। एक बार आनंद जो शतरंज के बादशाह माने जाते थे, विश्वनाथ आनंद, आपने उनका नाम सुना होगा, ट्रेन में सफर कर रहे थे। कंपाउंड में मात्र दो ही व्यक्ति थे, विश्वनाथ आनंद उनका मित्र, और एक सामने सीट पर दादाजी बैठे हुए थे। दादाजी ने उस बेटे से पूछा कि भाई तुम क्या करते हो? तो बड़े उत्साह और उमंग के साथ विश्वनाथ आनंद ने कहा कि मैं शतरंज का खिलाड़ी हूं, खेल खेलता हूं। दादाजी ने उसकी बात को सुनकर के कहा कि तुम जैसी युवाओं को खेल खेलने का जमाना नहीं है, तुम्हें तो कुछ उद्यम करना चाहिए, तुम्हें कुछ व्यापार करना चाहिए, तुम्हें पैसे कमाना चाहिए, सारा जीवन तुम खेल में ही गंवा दोगे। बहुत सारी बातें
दादाजी ने उसे विश्वनाथ आनंद से कहा, पर विश्वनाथ आनंद ने एक भी बात का कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप सुनता रहा। जब दादाजी का स्टेशन आया, सामान उठाया, नीचे उतरने चले गए। विश्वनाथ आनंद ने उनका सामान साथ में लिया और उनको गेट तक छोड़ करके वापस आ गए। उनके साथ में रहने वाला मित्र कहता है कि देखो, तुम्हें दादाजी ने इतनी सारी बातें सुना दी, तुमने उनको कोई जवाब क्यों नहीं दिया? तो क्या कहा विश्वनाथ आनंद ने? कहा कि देखो, मैं यदि उनको कुछ कहता तो ये उनकी उम्र का अपमान होता। चलो कोई बात नहीं, जाते जाते ये तो बता देते कि मैं शतरंज का खिलाड़ी हूं। तो फिर आनंद कहते हैं कि मैं इतना भी बोल नहीं सकता था, यदि मैं इतना भी बोल देता तो उनकी इज्जत का सवाल था कि हमने इतने बड़े खिलाड़ी से इस तरह की बात की। इसमें दो तरह की विनय झलक रही है। एक लौकिक विनय भी उनके अंदर झलक रही है कि उसने सामने वाले का बहुमान किया, किसी बात का उत्तर नहीं दिया, और दूसरी वह विनय भी उनके अंदर झलक रही कि उनने सामने वाले को सम्मान देकर के अपना कद ऊंचा कर लिया। यही विनय मनुष्य के जीवन की मूलभूत संपदा मानी जाती है। आज के संदर्भ में चार बातें, विनय क्यों, विनय क्या, विनय किसकी करना चाहिए और विनय कैसे करें। विनय क्यों, लौकिक जगत में हम विनय देखते हैं तो एक दूसरे की विनय बिना हमारा जीवन व्यवहार आगे नहीं बढ़ सकता है। जीवन व्यवहार को यदि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो विनय रूपी गुण परम आवश्यक है। छोटे बड़ों की विनय करें, बड़े छोटों का सम्मान दें, उनको वात्सल्य भाव दें, उनको प्रेम व्यवहार से बोलें, तो हमारे जीवन में बहुत सारी अनुकूलताएं बन सकती हैं। आप व्यापार करते हैं, आपकी दुकान पर ग्राहक आता है और ग्राहक आपसे ऊट पटांग बातें भी कर जाता है, आप मुस्कुराकर उसको जवाब देते हैं। एक बार एक बहन जी साड़ी खरीदने के लिए कपड़े की दुकान पर गई। साड़ी खरीदते देखते समय उसने ढेर सारी साड़ियों को दिखा दिया, लेकिन एक भी साड़ी उसको पसंद नहीं आई और ऊपर से टीका टिप्पणी और कर दी कि देखो, तुम्हारी दुकान में तो माल ही अच्छा नहीं है, मेरे को बहुत अच्छी साड़ी चाहिए थी, एक भी साड़ी मुझे अच्छी नहीं लगी है, क्या तुम माल रखते हो? दुकानदार सामने वाले बहन जी से कह रहा कि कोई बात नहीं बहन जी, नया स्टॉक आने वाला है, आप चार रोज बाद आइएगा। और बहन जी की बात को सुनकर के, अपमानजनक शब्दों को सुनकर के यदि दुकानदार अकड़ जाता तो वो ग्राहक भी चला जाता और हमेशा हमेशा के लिए वो कभी ग्राहक दुकान पर पैर भी नहीं रखता। यह भी एक लौकिक विनय है। इस विनय को तो हम अच्छी तरह से ध्यान रखते कि हमारा व्यापार ठप ना हो जाए, हमारे व्यापार में कोई परिवर्तन ना आ जाए, ये विनय तो आप अच्छे से रखते हो। पर संत कहते हैं जीवन व्यवहार को चलाने की विनय तो तुम्हारे पास आ गई है, लेकिन लोकोत्तर क्षेत्र में तुम विनय कैसे करोगे? जब भी हम गुरु चरणों में जाएं, जब भी प्रभु चरणों में जाएं, भक्ति करें, अनुष्ठान करें, बड़ी विनय से करोगे तो विनय रूपी गुण तुम्हारे जीवन में झलकेगा। विनय, हमारे आचार्यों ने कहा है विनयम मोक्षम द्वारो, विनय मोक्ष का द्वार कहा गया है। विनय के द्वारा कर्मों का नाश किया जा सकता है, विनय के द्वारा कर्म रूपी मल को नाश करके निर्मल आत्मा को उज्ज्वल बना सकते हैं, निर्मलता पूर्वक। ए विनय हमारे जीवन में भी होना चाहिए। हम दूसरों से सम्मान पाना चाहते हैं, पर दूसरों को सम्मान देने की कला भी तो हमारे अंदर होना चाहिए। हम रोड पर चलते हैं, यदि नियमों का पालन ना करें तो हम एक्सीडेंट के शिकार बन सकते हैं, और हम रोड पर चलते हुए अपने नियमों का पालन करें तो हम अपने जीवन की यात्रा को गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, विनयम मोक्षम द्वारो, विनय मोक्ष का द्वार है, अविनीत को मुक्ति नहीं मिलती है।
विनय को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हम अपने अंदर झांक कर के देखें कि हमारे जीवन में विनय रूपी गुण है कि नहीं। जब कभी संवाद होता है, जब कभी विवाद होता है, तो विनय के अभाव में भी हो, विनय के अभाव में ही होता है। एक दूसरे की विनय यदि करोगे, एक दूसरे के साथ झुक कर के चलोगे, तो हमारे जीवन में कभी विवाद और संवाद हो ही नहीं सकता है। आप को पता होना चाहिए, आप जिससे स्नेह रखते हैं, जिससे आप वात्सल्य भाव रखते हैं, उसके अपशब्द भी तुम्हारे लिए अच्छे लगते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। क्यों? उससे हमारा स्वार्थ है। हमारे आचार्यों ने चार प्रकार की, पांच प्रकार की विनय के बारे में कहा है। लोकानुवर्ती विनय, अर्थ विनय, काम तंत्रीय विनय, भय विनय और मोक्ष विनय। इनमें चार प्रकार की विनय तो संसार की विनय है। यदि लोक व्यक्ति लोक में विनय नहीं करेगा तो उसका लौकिक व्यवहार भी नहीं चल सकता है। छोटे बड़ों की विनय करते हैं, बड़े छोटों का भी ध्यान रखते हैं, यह लोक व्यवहार है। अपने किसी प्रयोजन के कारण, अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए एक दूसरे का हम स्वागत सत्कार करते हैं। मान लीजिए आप सब यहाँ पर बैठे हैं, मैंने अध्यक्ष साहब से कहा कि हमारे साथ बाहर से चलने वाले श्रावक श्राविकाएं हैं, आप उनका बहुमान करें, सम्मान दें, ये लौकिक विनय होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्थक थे माँ श्रीमती चिरंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष प्राची जैन, अंशुल अंशुली, राजू निशी, हर्ष मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले मालथोन सागर मध्य प्रदेश, श्री अजय कल्पना रिंकल, अजय शाह बादरा गुजरात, श्री केशुराम शिरोमणि सीए नीरज, सोनिया सीए अंशिका आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर दिल्ली। Oh, oh, oh.